मेरी बेटी श्रद्धा वालकर, उसकी मृत्यु होने से मुझे दुख हुआ है। वैसे ही मेरे परिवार वालों के भी बहुत दुख हुआ है। उस वजह से मेरी सेहत भी खराब हो चुकी थी, इसलिए मैं आपके सामने आ नहीं पाया। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आज तक जो इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस और वसई पुलिस, उनका कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो सही तरीके से चल रहा है, फिर भी वसई पुलिस व नालासोपारा पुलिस, तुड़ी पुलिस थाने, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन में थोड़ी सी दिरंगाई की, उस वजह से मुझे जो तकलीफ हुई उसका मुझे अफसोस लग रहा है। उस वजह से मेरी बेटी शायद आज जिंदा होती थी या कुछ प्रूफ मिलने में मुझे ज़्यादा मदद मिलती थी। मुझे मेरे बेटी को जस्टिस मिलने के लिए आप जो हेल्प कर रहे हैं, वैसे ही मिलता रहेगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। आफ्ताब पूनावाला ने मेरी बेटी का जिस तरह से मर्डर किया है, उस वजह से उसको जैसे मेरे बेटी का कत्ल हुआ है, वैसे ही उसको भी शिक्षा होने की मैं अपेक्षा करता हूँ। उसी तरह उसके घर वाले, उसके माँ बाप या उसके भाई, उन सब की जांच होनी चाहिए। उस तरह इस मामले में जो भी कोई शामिल हो उसकी भी जांच होनी चाहिए। धन्यवाद। बस इस मामले में सही इन्वेस्टिगेशन हो और उसे फांसी की सजा होनी चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। सर, आपने सवाल उठाया था कि जो 18 वर्ष के हो जाते हैं उनको लेकर रिलीजियस जानकारी दी जानी चाहिए, अपने मराठी में जब
अपने कुछ सवाल उठाए थे उसको हिंदी में प्लीज। अच्छा व्यक्ति स्वतंत्र हिंदी में है सब व्यक्ति स्वतंत्र हिंदी में व्यक्ति स्वतंत्र ही है। 18 साल के बाद जो व्यक्ति स्वातंत्र दिया जाता है उसके ऊपर विचार विनिमय होना चाहिए, क्योंकि उस वजह से ही मुझे ज़्यादा तकलीफ हुई। वैसे ही कुछ मोबाइल ऐप की वजह से जो दिक्कत हो रही है उसके ऊपर भी कुछ बंधन होने चाहिए।